बीआरएसपी के जिला महासचिव एवं सफेद झंडा कामगार संगठन के अध्यक्ष सुरेश मल्हारी पाइकराव के खिलाफ गुरुवार 3 फरवरी को दोपहर 3:40 पर राजूरा तहसील के सुब्बई और चिंचोली के प्रकल्प ग्रस्ती से 40 किसानों ने गुग्गुस थाने के समक्ष मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस को शिकायत देते हुए तत्काल 420 का अपराध दर्ज करने की मांग आंदोलनकर्ताओं ने की। सैकड़ों किलोमीटर दूरी से गुग्गुस आए पीड़ितों की इस फरियाद और आंदोलन से बीआरएसपी की विविध आंदोलन पर सवाल निशान लग गया है। सुब्बई और चिंचोली के प्रकल्प ग्रस्त किसानों के अनुसार बल्लारपुर क्षेत्र के वेकोली धोपटाला के अंतर्गत आने वाले चिंचोली ओपन कास्ट प्रकल्प के सुब्बई और चिंचोली के प्रकल्प ग्रस्त किसानों को सुरेश पाइकराव ने उनका नेतृत्व करने 6 माह में प्रकल्प शुरू करवाने, नौकरी और जमीन को मुआवजा दिलवाने के नाम पर गत 5 माह से धोखाधड़ी की। पाइकराव के नेतृत्व में 12 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन किया गया। उसके बाद 30 नवंबर 2021 को नागपुर वेकोली मुख्यालय के खिलाफ संविधान चौक में आंदोलन किया गया। 32 दिनों के धरने आंदोलन के बाद पाइकराव ने प्रकल्प ग्रस्तों की सहमति लिए बिना ही अपने मर्जी से आंदोलन को समाप्त कर दिया। साथ ही प्रत्येक 7/12 से 5,000 रुपए के हिसाब से 87 किसानों से 4,35,000 रुपए इकट्ठा की गई राशि नहीं लौटाई, जबकि पाइकराव के नेतृत्व में किए गए आंदोलन का खर्च चंदा इकट्ठा कर किया गया था। 4,35,000 रुपए अतिरिक्त राशि नहीं लौटाने पर प्रकल्प ग्रस्त खुद को ठगा महसूस करने लगे हैं। पीड़ितों ने पाइकराव लिखित शिकायत विरूर पुलिस थाने को भी दी है। इस दौरान शिकायतकर्ताओं ने अपने अपने खातों से पाइकराव के खाते में भेजे गए राशि की रसीदें भी पुलिस को दी हैं, लेकिन 10 दिन बीत जाने पर भी विरूर पुलिस ने अब तक पाइकराव के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। इसलिए न्याय की तलाश में प्रकल्प ग्रस्त किसानों ने गुग्गुस में भी अपना लिखित शिकायत दर्ज की है। फिलहाल सुरेश पाइकराव के नेतृत्व में गत सप्ताह भर से गुग्गुस के एसीसी सीमेंट कंपनी के न्यू पैकिंग हाउस प्लांट के कामगारों को लेकर आंदोलन चल रहा है। बीआरएसपी नेता सुरेश पाइकराव जहां एक और कंपनी प्रबंधन और ठेकेदार पर पीएफ चोरी का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पाइकराव के खिलाफ ही धोखाधड़ी का आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सुरेश पाइकराव के आंदोलन नीति पर सवाल उठना लाजमी है। मी प्रवीण मेकर तिवार, प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिति चा सल्लागार आहे। आणि आमच्या संघर्ष समितीतील जे शेतकरी आहे ते शेतकरी जवळपास 1 महिन्याच्या अगोदर आपल्या नागपूर येथे संविधान चौकामध्ये आंदोलनाला बसले होते। ते आंदोलनाला बसण्याचं कारण हे होतं की वेकोलीने 10 वर्षाच्या अगोदर या शेतकऱ्यांची जमीन, म्हणजे माझी सुद्धा आहे, ते शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केली होती आणि अधिग्रहित केली त्यानंतर त्याचा मोबदला म्हणून नोकरी किंवा त्याचा पैसे हे काहीच न दिले। त्यामुळे आणि त्या याच्यामध्ये सुरेश मल्हारी पाईकराव या व्यक्तीनं या शेतकऱ्यांना असं सांगितलं की तुम्हाला मी नोकरी मिळवून देईल। आणि आज घुग्गुसमध्ये आम्ही सुरेश मल्हारी पाईकराव याच्यासाठी यांच्या विरोधात कंप्लेंट द्यायला आलो। 21 तारखेला आम्ही ऑलरेडी विरूर स्टेशनला, चंद्रपूर एसपी ऑफिसला कंप्लेंट दिलेली आहे, कारण त्यांनी आंदोलनाच्या दरम्यान जे लोकांकडून पैसे घेतले 5,000 रुपये की नौकरी, म्हणजे काही कार्यालयीन कार्यकर्ता ज्याने 5,000 रुपये घेतले होते, पण त्यांनी आमची फसवणूक करून आमची जे मागणीच नव्हती डिनोटिफिकेशनची ती मागणी त्यांनी स्वतःहून लिहून दिली। याच्यात कुठल्याही शेतकऱ्यांचा समावेश नाही आहे। शेतकरी समितीचा अध्यक्ष नात्यानं आमच्या या चिंचोली रिकॉर्ड्स परियोजनेसाठी जे काही सेक्शन जे काही धारा लावलेले आहे त्या धाराला, म्हणजे वेकुलीनं जे आता आमच्या शेतकऱ्याची जी फसवणूक चालवलेली आहे, तर ते शेतकऱ्याची जी फसवणूक होत आहे, तर आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो या आपल्या जिल्ह्याचे जे सांसद सन्माननीय बाळूभाऊ धानोरकर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या ह्या शेतकऱ्याच्या 205 कुटुंबाच्या व्यथा ह्या संसदेमध्ये मांडून हा प्रकल्प कसा चालू करता येईल यांनी थोडीशी दखल घेतली तर शेतकऱ्यावर न्याय केल्यासारखं होईल, एवढीच मी त्यांना या आपल्या माध्यमातून एक विनंती करतो आहे।